रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ लोक कला पंडवानी के जरिए दुनिया भर में अनोखी पहचान बनाने वाली श्रीमती तीजनबाई पंडवानी जी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित हुई। समाज के रीति रिवाज कब पैरों के बेड़िया बन जाए पता ही नहीं चलता। शुरू से ही महिलाओं को सिर्फ घर के काम करने के लिए ही समझा जाता है। यह हमेशा माना जाता है कि महिलाएं केवल पुरुषों की दासी बनने के लिए पैदा होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की लोक गायिका तीजनबाई पंडवानी जी ने इस भ्रम को तोड़ने का काम किया है। तीजनबाई ने पंडवानी गायन के माध्यम से महाभारत की कहानी को देश और दुनिया के सामने पेश किया है। डॉक्टरेट की उपाधि और देश के सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई को भी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज उनके गायन की गूंज देश विदेश में है, लेकिन तीजनबाई पंडवानी के लिए समाज के ताने सहते हुए पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का सफर इतना आसान नहीं था। आइए इस लेख में जानते हैं उनके संघर्ष से सफलता तक के प्रेरणादायी सफर के बारे में। तीजनबाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को गन्यारी में हुनुकलाल पारधा और सुखवती देवी के यहाँ हुआ था। वह अपने नाना ब्रजलाल से महाभारत की कहानियाँ सुनते हुए बड़ी हुई। 70 के दशक में उन्होंने पंडवानी गायन की शुरुआत की, जब महिलाएं गायिका बैठकर वेदमती शैली में गाती थी, तब पुरुष खड़े होकर गाते थे, जिसे कपालिक शैली कहते थे। तीजनबाई ने भी कपालिक शैली में पंडवानी गायन कर विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। तीजनबाई पंडवानी कपालिक शैली की गायिका है। इतनी प्रसिद्धि पाने का उनका सफर काफी मुश्किलों से भरा रहा। छत्तीसगढ़ के भिलाई के गन्यारी गांव में जन्मी तीजनबाई पंडवानी ने अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां सुनाते हुए देखती थी। धीरे धीरे उन्हें भी यह सब याद आने लगा, जिसके बाद दोनों ने साथ गाना भी शुरू कर दिया। तीजन की माँ को उनका इस तरह गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब तीजनबाई ने पंडवानी गाना शुरू किया तो उनके परिवार वालों ने पाबंदियां लगा दी। समाज गाली गलौज करने लगा। इतना ही नहीं बल्कि लड़की होने के कारण उस समाज में गाना गाने पर भी पाबंदी थी, इसलिए तीजनबाई को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता था। वह कई दिनों तक कमरे में बंद रहती थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी तीजनबाई ने हार नहीं मानी। उनके परिवार वालों ने 12 साल की उम्र में ही तीजनबाई की शादी कर दी थी। उनके ससुराल वालों को उनका पंडवानी गाना बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन वह रात में चुपचाप घर से पंडवानी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल जाती थी, जिसके बाद उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। तीजनबाई पंडवानी के जीवन में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक कार्यक्रम में मौजूद गीतकार उमेश सिंह देशमुख ने उनकी प्रतिभा को देखा और उन्हें अनौपचारिक प्रशिक्षण दिया, जिसके बाद उन्होंने महज 13 साल की उम्र में अपना पहला परफॉर्मेंस पेश किया। उस समय महिलाएं बैठकर परफॉर्मेंस करती थी, लेकिन उन्होंने रीति रिवाजों को तोड़ते हुए पुरुषों की तरह पंडवानी का गायन किया। पंडवानी महाभारत में पांडवों की कहानी है, जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रदर्शित किया जाता है। पंडवानी गीत में मुख्य नायक भीम होता है। इस कहानी में एक गायक, एक रागी, एक वाद्य संगत, एक तबला वादक, एक हारमोनियम वादक, एक मंजीरा, एक ढोलक वादक और गायक स्वयं तमुरा बजाकर कथा का मंचन करता है। प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार हबीब तनवीर ने तीजनबाई के गाने को सुनकर उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। अपनी गायिका से उन्होंने इंदिरा गांधी को भी कायल कर दिया था, जिसके बाद वह देश विदेश में भी प्रसिद्ध होने लगी। 1980 में उन्होंने जर्मनी, तुर्की, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और मॉरिशस की यात्रा एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में की और अपने गायन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तीजनबाई पंडवानी ऐसी पहली महिला कलाकार है जिन्होंने कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, लेकिन फिर भी 2003 में तीजनबाई पंडवानी को खैरागढ़ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर तीजनबाई पंडवानी को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान 1988 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्हें 2019 में पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। इसके साथ ही उन्हें महिला नवरत्न, कला शिरोमणि सम्मान, आदित्य बिरला कला शिखर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। तीजनबाई पंडवानी ने कभी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उन्हें खुद पर भरोसा था कि वह अपनी सफलता की कहानी जरूर लिखेगी और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आज वह लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। उनकी सफलता की कहानी कई लोगों को प्रेरणा देने वाली है। छत्तीसगढ़ी गायन को विश्व स्तर पर ले जाने वाली तीजनबाई पंडवानी को भारत रत्न को छोड़कर देश के सभी सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुके हैं।